हम सबको ये तो पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना, पैसा, घर, अच्छी हेल्थ, बिजनेस, लेकिन लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बिना कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है और कैसे काम करता है, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन की हेल्प से आप अपनी सभी इच्छाओं को कैसे हासिल कर सकते हो। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में लॉ ऑफ वाइब्रेशन के कुछ प्रिंसिपल शेयर करूंगा, इसकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला प्रिंसिपल कहता है एवरीथिंग इज एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हर चीज़ में एनर्जी है। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो और सुन पा रहे हो, इसमें भी एनर्जी है। किचन में गैस का यूज़ कर रहे हो, उसमें भी एनर्जी है। हर किसी चीज़ में एनर्जी है। आपकी बॉडी, फीलिंग्स, इमोशंस, इन सब में भी एनर्जी होती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन का दूसरा प्रिंसिपल एनर्जी इज ऑलवेज मूविंग। जिस तरह रेडियो की वेव्स होती है, कभी अप तो कभी डाउन, एक जगह स्थिर नहीं होती, इसी तरह एनर्जी की फ्रिक्वेंसी भी चेंज होती रहती है। जब आप खुश होते हो तो आपकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है, जब आप नाराज होते हो तो आपकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है, और ये फ्रिक्वेंसी हमारे आसपास के लोगों पर भी निर्भर करती है। जब आप पॉजिटिव पर्सन के साथ रहते हो तो आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती रहती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन का अगला प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ मैग्नेट का। जब आप मैग्नेट के नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को एक दूसरे के पास लाते हो तो वो उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह के विचार, सोच हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है, हम उसी तरह की चीज़ें अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन का अगला नियम, एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब में अपनी अपनी एनर्जी होती है। ना तो हम उस एनर्जी को ले सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारे हाथ में फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज करना होता है। हमारी जैसी फ्रीक्वेंसी होगी हम वैसे बनेंगे। ये आपको देखना है कि आप उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, इससे आपका पूरा ध्यान आपकी ओर जाएगा, आप इससे शांत और खुशी महसूस करते हो। साथ में आप उन सब चीज़ों में पॉजिटिव वाइब्स महसूस करने लगते हो जो आपके आसपास हैं। आप नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हो ताकि आपकी वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो। लास्ट, अच्छा खाना पीना, ग्रेटिट्यूड शो करना, जर्नल राइटिंग करना, कोई अच्छा म्यूजिक सुनना, एक्सरसाइज करना, आप इनके थ्रू भी अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज कर सकते हो। आज से ही अपनी वाइब्रेशंस को अच्छा करना शुरू कर दें ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए और इजीली वर्क कर सके और आप वो सब चीज़ें हासिल कर सको जो आप अभी सोच रहे हो।